सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें आज हम बात करने वाले हैं पद परिचय के बारे में। ठीक है, जो हमें कुछ शब्द दिए जा रहे हैं उसका हम देखेंगे पद परिचय क्या होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग एक बार अपने से ट्राई करेंगे, फिर इनकेस आपको नहीं आ रहा है तो उसे एक बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो व्याकरण की परिचय या पद परिचय बात एक ही है। ठीक है, कुल मिलाकर एक शब्द है। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं कि पद परिचय में हम क्या करते हैं, उसका क्या व्याकरण का क्या दृष्टिकोण है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, इसी बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस आ रहा है ये क्या है, कल हमने लाल किला देखा। तो हमें यहाँ पर जो शब्द रेखांकित है यानी जिस पर अंडरलाइन है उसी के बारे में बताना है। तो कल क्या है बताइए। हाँ बिल्कुल सही, कल हमारा एक अव्यव है और अव्यव की कौन सी क्रिया है, कालवाचक। देखिए कल मतलब कि एक समय बता रहा है, समय मतलब काल है यानी मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, और इसमें विशेषण क्या, देखना मतलब आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो वही उसकी विशेषता है ना। तो जैसे फूल सुंदर है, फूल की खासियत क्या है, सुंदर है, सुंदर वहाँ विशेषण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर देखा जा रहा है तो क्या है। हाँ बिल्कुल सही, वहाँ पर देखा एक विशेषण है। तो हम लोग जानते हैं कि हम विशेषण से एक बार बताते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा लाल किला क्या, चलिए आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत सही, लाल किला हमारा एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे जितने भी महल हुए या सॉरी हाँ जितने भी महल हुए या जितने भी तरीके के बिल्डिंग्स हुए अगर जिसको नामी है उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक में फाल होता है। ठीक है, क्या है, लाल किला एक ही है तो एक वचन हो जाएगा, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। कारक कैसे हम लोग पता करते बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सही, जिससे मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह। ठीक है, यहाँ तो हमने बात कर ली कर्म कारक है। ठीक है, कारक पहचान आप लोग कोई कष्ट नहीं है, जिन बच्चों को कष्ट हमारी पिछली वीडियो जाके देख सकता है। ठीक है, लास्ट सॉरी सेकेंड हम बात करते हैं, लास्ट अभी नहीं है। पूर्वा ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे पढ़ने के बारे में बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि पढ़ना लिखना उठना बैठना क्या है। हाँ बिल्कुल सही, क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर कर्म क्या है आप लोग बताइए, कर्म क्या, पुस्तक। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कर्म मतलब कि जो काम किया जाए, क्या क्या काम किया जा रहा है, पढ़ने काम किया जा रहा था, लेकिन किसको पढ़ने काम किया, पुस्तक को। कर्म मतलब क्या होता बताइए आप लोग, कर्म मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट, इस बात का हमें ध्यान रखना, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार हम लोग समझ गए कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बताइए आप लोग, पुस्तक। ठीक है, देखिए धातु तक हमें परिचय नहीं देना है। ठीक है, हाँ ठीक है, और कौन सा काल, भूतकाल मतलब पढ़ चुकी है, और क्या है स्त्रीलिंग, एक वचन है, तो आप लोग आसानी से जान ही सकते हैं। तो कुल मिला जुला देखिए आप लोग, कम से कम अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, इसके बारे में बताना जरूर देना है, एक वचन बहुवचन बता देना, ये दोनों भी लिख देंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा ही मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि सभी चीज़ें बताना है ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। तो हमारा थर्ड बेसिकली क्या है बताइए आप लोग, एक बार अपने से ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बढ़िया रहता है। चलिए रानी का हम लेते हैं पद परिचय। रानी क्या है, बिल्कुल सही, संज्ञा है। ठीक, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और रानी वैसे भी स्त्रीलिंग है, कौन सा एक वचन कर्ता कारक है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा लिखना है क्रिया का कर्ता है, मतलब जो हमारा कर्ता है, ठीक क्या कर रहा है, लिखने काम कर रहा है तो वही उसकी क्रिया हो गई। वैसे भी हमारा लिखना पढ़ना उठना बैठना सोना ये सब क्या है, ये सब क्रिया में ही तो आता है, समझ गए ना। तो ठीक है, आप लोग देखिए प्रैक्टिस करेंगे एकदम बिल्कुल आसानी से आप लोगों को भी आ जाएगी जिस तरह हमें याद है। तो बात करते हैं पत्र के बारे में। पत्र भी आपसे जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी जाति बता रहा, पत्र की क्या जाति नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, लेटर हमारा एक जातिवाचक संज्ञा में फाल होता है। ठीक है, क्या है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म का। देखिए मैंने कहा ना पुल्लिंग और एक वचन की बहुवचन, इसको हमें ध्यान रखना है। क्या है, लिखना, उसी में सेम वही है, लिखना एक क्रिया का कर्म है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बात कर क्वेश्चन फोर के बारे में, क्या है, जल्दी चलो गाड़ी आने ही वाली है। चलिए बताइए जल्दी के बारे में। देखिए हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, कल, तो उसी प्रकार हमारा जल्दी क्या है बताइए आप लोग। हाँ ये भी एक अव्यव, कल, परसों, जल्दी उठना सॉरी जल्दी तेजी से, ये सब हमारा अव्यव की फाल में था। कौन सा क्रिया विशेषण, किस, क्यों, क्योंकि देखिए जल्दी क्या है, क्रिया विशेषता है, मतलब जल्दी चलना, जल्दी उठना, जल्दी बैठना, ये सब क्या है क्रिया की विशेषता, तो मतलब क्रिया विशेषण भी यहाँ पर है। तो कुल मिला जुला कर आप लोग समझ गए। और ही क्या है, ही तो अव्यव है, देखिए ही वो नहीं पूछता, कुल मिला जुला कर ये हमारा थोड़ा सिलेबस से बाहर आ रहा है।
ठीक है, इसे में ही वो नहीं जाता कोई एग्जाम में पूछता है, इनकेस पूछ भी लिया तो बता ही देंगे, अव्यय है ठीक है, और निपात है ये सब हमें नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, वह कक्षा में सो रहा, चलिए बताइए क्या है। हाँ बिल्कुल सही है, एक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक, क्यों, अनुपण, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है, उसी प्रकार एक पुरुष है, क्यों, वह क्या बताइए, आदमी के लिए तो वह यूज होता है, देखिए उसे भी जाता है तो एक पुरुषवाचक हो गया, कौन सा पुरुष, अन्य पुरुष है, और क्या पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक बच्चों, तो आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, सिक्स वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से बात सोचिएगा, वैसे आंसर मैंने दे दिया है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं लेकिन एक बार बिना अपने आंसर के कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखिए, इनकेस अगर आप लोग कोई भी डाउट हो ना, चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं और सारे हमारे वीडियो भी देख सकते हैं, और या तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे मिल लीजिए आके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मिलिए और हमसे सारे अपने डाउट को सॉल्व करिए, ठीक है, और मेहनत से पढ़िए, और इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए, मैं उससे वीडियो बना बना दूंगा, ठीक है बच्चों।